ताल वाद्य की जुगलबंदी अब यहाँ पर है। तबले पे है पंडित श्री राम कुमार मिश्र और पखवाज पे है पंडित भवानी शंकर कथक। संक्षिप्त परिचय ले ले, वैसे तो आप दोनों हनुमंत संगीत महोत्सव में इसके पहले भी कई बार आप आ चुके हैं। पंडित श्री राम कुमार मिश्र, आप बनारस घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ओर से संगीत आपको विरासत में मिला है। बनारस घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक और गुरु पंडित अनोखेलाल मिश्र के आप दोहित्र हैं और सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्मभूषण पंडित श्री छन्नूलाल मिश्र के आप सुपुत्र हैं। माता श्रीमती मनोरमा मिश्र ने तालवाद्य संगीत में आपको दीक्षित किया। ये शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई एक माँ अपने बेटे को तबले सिखाए। और फिर सुप्रसिद्ध तबला वादक गुरु पंडित श्री छोटेलाल मिश्र से आपने तबला शिक्षा पाई। तालमणि अवार्ड, हरिदास संगीत सम्मान, लय भास्कर का खिताब, बिहार सरकार द्वारा तबला शिरोमणि और डार्विन ऑस्ट्रेलिया द्वारा आपको अवार्ड दिए गए हैं। ऐसे आप सम्मान से विभूषित हुए हैं। पंडित श्री भवानी शंकर कथक पखवाज, भारत के प्राचीनतम ताल वाद्यों में पखवाज सर्वप्रथम है। द्रुपद गान और शास्त्रीय नृत्य में इस वाद्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे महाकाव्यों में, पुराणों में इस वाद्य का उल्लेख पाया जाता है। यह बजते ही नाद वैभव खड़ा होता है, वातावरण भव्यता और दिव्यता से भर जाता है। काल क्रम में यह वाद्य किनारे पर चला गया था। पंडित भवानी शंकर जैसे ताल वाद्यकारों की बदौलत आज यह शास्त्रीय समारोहों की शोभा बना है। आपने बचपन से ही तबला और पखवाज की तालीम ली है। आपने कई एकल प्रस्तुति के साथ उत्तर हिंदुस्तानी, कर्नाटकी, पश्चिमी, जाज, फिल्म, फ्यूजन और भक्ति संगीत में और नृत्य में संगति की है। विश्व प्रवास के साथ साथ भारतीय महाकाव्यों का स्वरांकन करके देश को कई एल्बम आपने अर्पण किए हैं। युवाओं को इस वाद्य प्रति आप आकर्षित कर सके हैं, यह हम सब के लिए अच्छा शगुन है। और हम बलिभांति जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन जब यहाँ अवार्ड अर्पण विधि होगी, तब पंडित श्री भवानी शंकर कथक आपको पखवाज ताल वाद्य के लिए हनुमंत अवार्ड अर्पण किया जाएगा। आप दोनों के साथ सारंगी पर लहरा की संगत कर रहे हैं श्री संगीत मिश्रा, आपके पिताजी ही आपके गुरु पंडित संतोष मिश्रा जी। पूज्य बापू से मैं विनती करूं कि इन तीनों स्वर साधकों को रामनामी और सूत्रमाला अर्पण करके सम्मान करें। पूज्य बापू, thank you.
राणी जी शार्प कर इसको। पूरा बढ़ा देना जाओ बापू जी को हमारा शत शत प्रणाम और बजरंग बली को और श्री राम को जीवन भर प्रणाम, अगले जीवन भी प्रणाम है, वो जीवन में भी प्रणाम। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं कार्यक्रम शुरू करूँगा पखावज और तबले की जुगलबंदी। पंडित राम कुमार मिश्रा तबले पे और पंडित संगीत मिश्रा सारंगी पे हम शुरू करने जाते हैं। Thank you.
ये जो बखावज है नाद ब्रह्म है, आपको भगवान के मंदिर में झांझर नगारा ये जो शंख ये साउंड करेगा फिर, क्योंकि हमारे भगवान का वाद्य है।
बैठे हैं, बापूजी को प्रणाम करते हुए थोड़ा सा बनारस घराने का देखिए उठान चलन आमद थोड़े रूप में मैं दिखाऊंगा। बनारस का तबला गायन के काफ़ी करीब है, तो जैसे गायन में आलाप की बढ़त है वैसे ही देखिए तबले में आलाप की बढ़त थोड़ी सी मैं झलक आपको देता हूँ बापू जी। Thank you.
राम कुमार जी का छंद है। हेलो हमारे साथे पखावज में बापू सेनगार रस भी है और वीर रस भी है, तो ये वीर रस है, ये सेनगार रस बजाने वाला चाहिए।
मुस्ताना देखिएगा हमारे नाना जी पंडित अनोखेलाल मिश्र जी की चीज है, पूरे हाथ का धीरे धीरे पूरे हाथ का दिल धाड़ गिन Thank you.
काली लहका चीज सुनिए काय Thank you.
से नल का एक बार भी छोटी सी कोशिश करता हूँ। तीन धा देखिएगा, फरमाइशी Tango,
नानाजी की चीज है झूलना जाती है कि राधा और कृष्ण कैसे झूला झूलते चक्रधार देखिएगा नादिन धिन्ना मेरे घर की खास चीज मेरे नाना जी की एक उंगली की नादिन धिन्ना मैं कोशिश करूंगा
उनकी बाएं जैसा है, उनकी पखावज में नहीं हो सकता है। जय श्री राम। अभी तक यहाँ नाद वैभव कम ऐसा सब कर रहे थे, लय की मानो बाढ़ आई हो ऐसा सबने महसूस किया है। आप तीनों संगीत साधकों के प्रति हाँ जी आभार व्यक्त करता हूँ। और कल इसी जगह पर 8:30 बजे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन और उसके बाद बेगम परवीन सुल्ताना का शास्त्रीय कंठ्य संगीत यहाँ पर प्रस्तुत होगा। आप सभी सादर निमंत्रित है। शुभ रात्रि, जय सियाराम। जीवन